जय जगन्नाथ बंधुगण, आपण मानक ओडिया ऑडियो बुक को पुणि थरे स्वागत। आज आम एक सुंदर एवं इमोशनल कहानीटी शुणा माँ ऊपर। यह कहानीटी बहुत इमोशनल कहानीटी, तो निश्चित भाव शेष पर्यंत शुणु। तो चलतु किसी विलंब नक कहानीटी आरंभ करवा। संध्या बेलर कथा, हालुका हालुका वर्षा होता है। जोता दोकानवाला ता दुकान बंद करुए। हठात से ही समय एक पुओटे दौड़ी दौड़ी ता दुकान को आसला। जेहेतु वर्षा होता से पुओटी वर्षार उधा हो जाता। पुओटी देखू गाँव रु आसा भाई जना पड़ता है। से दोकानवाला तापर से पिला को पचारा, भाई कहतु आपण को कौन दरकार। से पुओर बयस टी 22-24 वर्षर होता है। से कहला, दोकानी भाई मो माँ गोटे जोता दरकार। तो दोकानवाला पुण कहला, हो ठीक अच्छे किसी प्रोब्लेम नहीं। भाई तुम माँ पादर साइजटा कहतु, तुम माँ आम सहित। से पुओटी कहला, ना माँ आसी ना जे। यह कही से निज पकेट एक पेपर टीए बाहर कला। कागजटी फोल्ड कराई। से फोल्ड खोल जना पड़ा जैसे दुईट पादर आउटलाइन कराई। से पुओटी कहला, जे दोकानी भाई यही सैज हिसाब से आप पेपर रे जो सैज अच्छी यही सैज हिसाब से आपत जोताटा दे दिंतु। दोकानवाला कहला, ये कि प्रकार माप भाई, एमती माप तो आम के देखू। तुमको किसी सैज फाइज कि जना थी ना। यह शुणिकी से पुओटी आखिर पा बाहर थाए आखिरु पानी बाहर था। बहुत दुखर सह कहला, जे भाई कि माप, मु तो गाँव रु आसी। तुम्हें जानी छो कि मो माँ आज पर्यंत जोता पिंधि नहांती। कंटारे पहाड़े पत्थर रे सबु जगार काम करिछंती एवं काम करी करी किछि पैसा पत्र एकजुट करी मते पाठ पढ़ाई एवं मते कहिछंती, तू पाठ पढ़े, तू भल मनीष हे, तू भल मनीष हे, भल जोता पिंधे। तू जोता पिंधिबा जरूरी, मोर जोता पिंधिबा जरूरी नुह। देख भाई आज मुझे जोता पिंधि भल जोता पिंधि भल जगार मुझे चाकरी पाइली। चाकरी रे आज मोर गोटे मस पूर्ण हो प्रथम मसर दरमा पाई। मुझे शेष बस घर को जीवि। तो जीवा पूर्व मुझे भाविली मो माँ कौन नहीं कि जीवि। तो मुझे पुणी थर भाविली, माँ मो माँ खाली पादर बहुत कष्ट पहाड़ कंटा बुधा सबुठी कम करम कर मोपाई कि पैसा पत्र जोगाड़ कर पाठ पढ़े। तो कहीं मो माँ गोटे जोता न नहीं जीवि। तो से आसी आपण जोताटी नापी मत साइज तो जाना नहीं, किंतु मुझे कल्पना करके आउटलाइन बनई पेपर रे जहाँ कि आगे आप दयाक यह देखिकी गोटे जोताटे दे दिंतु। यह शुणापुर दोकानवाला बहुत इमोशनाल हो गले। से कहले, निश्चित भाव आपन को मुझे जोता देवी, टिके रुंतु। यह कह दोकानवाला भितर को जाई से साइज हिसाब से एक जोताटी आनिला। आनी से पुओ को देखला। पुओ को से जोताटी को देखी बहुत पसंद हो गला। दोकानवाला से जोता को भल भाव बॉक्स पैक कर से पुओ को देला। पुओटी जोताटी नापर दोकानवाला से जोताटी रेट टीए पचारा। दोकानवाला कहला 800 टंका। यापर दोकानवाला जानवा को बहुत इच्छा है जे से पुओटी मसक टाँचा कमाऊ। से दोकानवाला पुओ को पचारा, भाई तुम्हें मसक टाँचा कमाऊ। से पुओटी कहला, भाई 8000 टाँचा। समस्त खर्च 5000 भितर हो जाए। मोर घर भड़ा खाइबा पीवा समस्त खर्च मोर 5000 भितर हो जाए। एवं जो 3000 टाँचा बड़ी यह समस्त मो माँ कर। दोकानवाला कहला, भाई 800 टाँचा चप्पल बहुत बेसी हो कि दामटा। पुओटी कहला, ना भाई माँ कौन जिनस नापी तार दाम देखा जाए ना। यह कही पुओटी दोकानवाला को पैसा दे पल जाऊला। से ही समय दोकानवाला पुणी थे से पुओ को डाकिला। कहला, शुण 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 भाई, नि आउ गोटे चप्पल। यही चप्पलटी माँ को जी देदेव, कहबजे अनेक पुओ यही जोताटी को गिफ्ट भाव में देखते। माँ को कहीदेव जे गोटे चप्पल छिड़गले आ गोटे चप्पल पिंधे, किंतु एवठू के खाली पादर रहीबे एवं माँ को मोर प्रणाम जनइब। पुओटी बहुत इमोशनाल हो गला। पुणी थे जिते पुओटी जीवा को बाहर ला, दोकानवाला ताको पुणी थर डाकिला। डाकी कहला, भाई भाई टिके रुह गोटे मिनिट, मु तुम पाखे लास्ट कथाटी कहबी। तुमको गोटे लास्ट जिनस मागि जे तुम पकेट जो पादर चिन्ह थिबा गोटे पेपर टी रखीछ फोल्ड करी सेटा मते दे दियो। पुओ भाविला, कौन मागुची दोकानवाला। भाविकी पुओटी निज पकेट रु से पेपर टी बाहर कर देदेला से दोकानवाला को देदेला एवं पुओटी निज घर को पलायला। यापर दोकानवाला से कागजटी को नहीं जोठे पूजा करुए दोकान जो पूजा करें कि रखिदेला। से ही समय दोकान में काम कर एक लोकटीए देखीदेला जे दोकानी से कागज को नहीं तार दोकान पूजा कर जगार रखुची बोली। से काम कर लोकटी दोकानवाला को पचारा, जे आगे कौन कर ये। दोकानी कहला, मुझे स्वयं लक्ष्मी माँ लक्ष्मी पादर चिन्ह को देखी।
ତାଙ୍କର ସେହି ପାଦର ଚିହ୍ନକୁ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଦେଖିବ ଆମ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ସାରା ବେପାର ହବ, ବହୁତ ସାରା ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଏତେ ସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମ ମା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ମା କହୁ। ମାଆଙ୍କଠୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କଠୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେମଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ବହୁତ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ର ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ, ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।